Assalamualaikum dear students, I'm from Five Universe और आप देख रहे हैं Five Universe channel. उम्मीद कर रहा हूँ आप सब ठीक होंगे. In this video we'll discuss topic carbohydrates. Carbohydrates basically living organism में involved होते हैं human body के अंदर. Human body में carbohydrates के अलावा fats, minerals, proteins etc. involved होती हैं. उसके बाद carbohydrates living organism के अलावा all living organism are part of cell. सेल का हिस्सा है क्या कार्बोहाइड्रेट्स. उसके बाद इसके सोर्सेज है. कार्बोहाइड्रेट्स के सोर्सेज क्या क्या हैं. नंबर वन पर कार्बोहाइड्रेट्स की वजह से ग्रीन प्लांट होते हैं प्लांट्स के अंदर. नंबर टू पर प्लांट्स के अंदर फोटोसिंथेसिस का अमल शुरू होता है. नंबर थ्री पर वन प्लांट टू एन अदर प्लांट्स क्या प्रोड्यूसेस कारकर केमिकल चेंजेस करते हैं. उसके बाद कार्बोहाइड्रेट्स क्या कम्बिनेशन करते हैं किसके साथ. कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन तीन गैसेस हैं. इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर पानी बनाएगा उसकी सेम रेशो बन जाएगी. इसके बाद कार्बन और ऑक्सीजन जब कम्बिनेशन करेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा तो उसकी भी सेम रेशो बनेगी. अगर कार्बन और हाइड्रोजन मिले तो उसकी कोई सेम रेशो नहीं बनेगी. इसके अलावा केमिकली इसकी डेफिनेशन क्या है कार्बोहाइड्रेट्स की. पॉलीहाइड्रोक्सीएल्डिहाइड जो एल्डो शुगर है और पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन्स जो कीटो शुगर कहलाती है. कीटो फॉर्म भी है और कीटो शुगर भी है. क्या है इसके बाद दो लिपिड्स और प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट के साथ उनका कम्बिनेशन करें कार्बोहाइड्रेट प्लस लिपिड करें तो ग्लाइकोलिपिड बनेगा और कार्बोहाइड्रेट प्लस प्रोटीन करें तो ग्लाइकोप्रोटीन बनेगा. इसके बाद क्या नंबर वन पर इसका पॉइंट है ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म में इन्वॉल्व होते हैं ह्यूमन बॉडी के अंदर. ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स इन्वॉल्व एंड ह्यूमन बॉडी किस किस के अंदर इन्वॉल्व होते हैं. एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर और नंबर टू पर क्या लिविंग ऑर्गेनिज्म नंबर टू पर ह्यूमन बॉडी के अंदर. ह्यूमन बॉडी के अंदर कार्बोहाइड्रेट्स के अलावा क्या क्या होते हैं. फैट्स प्रोटीन्स एंड मिनरल्स एक्सेट्रा. उसके बाद क्या करते हैं ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर पार्ट ऑफ द सेल. हर सेल के अंदर उसका क्या है हिस्सा है किसका कार्बोहाइड्रेट्स का लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर. उसके बाद कार्बोहाइड्रेट्स के सोर्सेज ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स सोर्सेज इसके तीन है मैंने बताया आपको. नंबर वन पर ग्रीन प्लांट कार्बोहाइड्रेट्स की वजह से ग्रीन प्लांट होंगे. नंबर टू पर इसकी फोटोसिंथेसिस होगी. और नंबर थ्री पर वन प्लांट टू एन अदर प्लांट produced or chemically changes. One plant to another plant produced or chemical चेंजेस क्या करते हैं केमिकल चेंजेस करते हैं. उसके बाद कार्बन और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की कंबिनेशन देते हैं देखते हैं इसके अंदर. क्या कंबिनेशन है कंबिनेशन of carbon, hydrogen and
ऑक्सीजन। कंबिनेशन जब कार्बन और ऑक्सीजन करेंगे तो इसकी सेम रेशियो होगी, कार्बन प्लस ऑक्सीजन कंबाइन हो गए तो C2O। ये कार्बन डाइऑक्साइड इसकी क्या होगी, सेम रेशियो होगी, सेम रेशियो इसकी क्या होगी कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर। अगर पानी हाइड्रोजन H प्लस ऑक्सीजन हो तो H2O पानी बना देगी, तो इसके बीच सेम रेशियो होगी इन द फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, सेम रेशियो होगी इसकी। अब हम देखते हैं अगर कार्बन और हाइड्रोजन कम्बिनेशन करें, कार्बन और हाइड्रोजन कम्बिनेशन करें तो कोई भी इसकी रेशियो सेम नहीं आएगी। उसके बाद इसकी केमिकल देखते हैं डेफिनेशन। केमिकली डेफिनेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, केमिकली इसकी क्या, एक तो पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड होगा जो एल्डोफॉर्मी एंड एल्डो शुगर बनाएगा, और एक दूसरा पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन्स ऑन द हाइड्रोलाइसिस ऑफ क्या करेंगे कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर एंड केमिकल्स। क्या डेफिनेशन है, द हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड एंड पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन्स, कीटोन्स आर इन्वॉल्व्ड इन हाइड्रोलाइसिस, इस कॉल क्या बनेगा कार्बोहाइड्रेट। इसके बाद हम अब एल्डो शुगर और कीटो शुगर की फॉर्म लिखते हैं, ये एल्डिहाइड फॉर्म है और ये कीटो फॉर्म। एल्डिहाइड फॉर्म CHO, ये एल्डिहाइड फॉर्म है, आप बना लेते हैं कार्बन टू कार्बन आएगा, इसको अब हमने क्या करने हैं दोनों तरफ कंबाइन करने हैं, इकट्ठे तरतीब देंगे हम इसको, इधर H लगेगा तो इधर क्या लगेगा OH, OH इधर, अगर ये H और H मिल जाए नीचे H2OH बनेगा, कैसे H और H टू H और OH वो वैसा का वैसे ही रहेगा, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे कीटो फॉर्म देखेंगे, कीटो फॉर्म किस तरह है CH2OH डबल बॉन्ड हो, कीटो फॉर्म जब भी लिखेंगे वो डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ करेगा और उसकी वैल्यू सेम वो वैसी की वैसी रहेगी, ये हमारे क्या बनेगी कीटो फॉर्म और ये एल्डो फॉर्म, एल्डिहाइड फॉर्म या एल्डो फॉर्म, एल्डो शुगर और कीटो शुगर, ये उसकी फॉर्म है। उसके बाद जब कार्बोहाइड्रेट्स कंबिनेशन करते हैं प्रोटीन्स के साथ, कार्बोहाइड्रेट्स प्रोटीन्स के साथ, ये कार्बोहाइड्रेट्स कंबाइन प्रोटीन्स तो क्या बनेगा, ये कंबिनेशन कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन का बनेगा तो ग्लाइको प्रोटीन्स,
उसके बाद अगर कार्बोहाइड्रेट्स कंबाइन होकर लिपिड्स के साथ हो जाए तो फिर कार्बोहाइड्रेट्स और लिपिड तो क्या बनेगा, ग्लाइको लिपिड्स के साथ करेगा तो ग्लाइको लिपिड्स। यहां पर कार्बोहाइड्रेट्स का टॉपिक एंड हो गया। उम्मीद करता हूँ मेरी वीडियो आज की आपको अच्छी लगी होगी, और जहाँ से आपको कन्फ्यूजन है वो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं और मैं आपको गाइड करूँगा। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर जरूर क्लिक कीजिए ताकि आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुँच सके और आप देख सकें। अल्लाह हाफिज़।